उत्तर प्रदेश में अभी आजकल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, सभी लोग 80 सीट के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए 400 की बात कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दावे हर पॉलिटिकल पार्टी कॉम्बिनेशन करती है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं, हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ते जा रही है, तो ये बहुत से मुद्दे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये भी हमारा बोलना है। आपने अभी जो प्राइम मिनिस्टर के जो बयान है उसको भी काउंटर किया, हिंदू मुसलमान की जो बात थी अभी आपने उसका भी बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते, और दूसरी तरफ ये बयान आता है जिसको आप हो या जो और भी विपक्ष के लोग हैं। देखिए, घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की है? किसके गलों, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा? तो मुसलमानों को कह रहे हैं, 80-20 की जबान किसने की थी? शमशान खबरस्तान जबात किसने की थी? कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? ये जो लव जिहाद, नुपुर शर्मा, ये सब कौन है? बुलडोजर, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं। तो सर, ये तो पूरा प्रधानमंत्री जाता है ना, ये सब गलत है, ये वो कर रहे हैं। अब छोड़ दो।